जानना है क्या चीज स्टडी करेंगे, उसका हिस्ट्री स्टडी करेंगे, वो क्या चीज है, कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचा, क्या डेवलपमेंट हुआ उसका। जैसे सेकेंड और सेफ जो है बड़े हो जाएंगे, आपकी का नाम बड़े हो जाइएगा, ठीक है, कोई अच्छा मुकाम पहुंच जाएगा तो आपके बारे में कोई जानना चाहेगा, क्या पढ़ेगा आपका, आप कहाँ कहाँ पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, ठीक है, क्या क्या स्ट्रगल झेले, वो सभी आपका हिस्ट्री में आ जाए। उसी तरह अभी जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं, इससे पहले क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, उसका स्टडी करेंगे हिस्ट्री में, तब पता चलेगा पहले कैसा था कंप्यूटर। आपको जो बहुत लोग को लग रहा है ये कंप्यूटर भी दिख रहा है सेम ऐसा ही सबके लिए बनाया गया, नहीं कैसा बनाया गया मालूम, टीवी ना टीवी भी नहीं था, उससे पहले ये जो डिस्प्ले वाला जितना भी देखते हैं ना, डिस्प्ले तो था ही नहीं, बस कंप्यूटर जब बताएंगे कंप्यूटर क्या यूज है उसके बारे में आपको समझ में आए, याद याद दीजिएगा, फर्स्ट में लिखिएगा अबेकस, ये कंप्यूटर का नाम अबेकस, ABSUS लिख लिए, देखिए बहुत प्राचीन समय में एंशियंट टाइम में क्या था, ये कंप्यूटर अभी जो देख रहे हैं ऐसा था, तो क्या करता है कोई भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का अपनाते हैं, ठीक है, उसी में से कैसे इंसान थे जो एक ऐसा वाला डिवाइस बना दिए, इस तरह से छत लगा रहता है, ऐसे मोती टाइप का दाने लगा रहता है। अभी आप लोग बच्चे के पास भी देखते होंगे, बच्चा स्कूल जाता है ना, उसके पास ये सब रहता है, इस तरह से एक रहता है, यंत्र बोल सकते हैं उसको, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, मैकेनिक है, यांत्रिक है, इसको हाथ से चलाते हैं, ठीक है, इस तरह से ये लगा रहता है, ये समझिए बीच में छड़ है और बीच में एक दाने टाइप का लगा रहता है। हमारे पास समझिए पांच सामान है, इस साइड क्या करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, ये जो दाने दिख रहा है पाँच, पाँच को एक साइड कर देंगे, सब रहेगा एक साइड, ठीक है, हमारे पास जितना सामान रहेगा उसको एक साइड कर देंगे, इससे पता चलता था कि हमारे पास कितना सामान गिनने के लिए रहता है, गिनने के लिए, इसका सिर्फ गिनती करने के लिए खोज किया गया था, कोई सामान को कैलकुलेट करने के लिए, समझे, इसमें लिखिएगा इंग्लिश में लिखा गया हिंदी में,
इंग्लिश में लिखिएगा। इन द एंशियंट टाइम to calculate arithmetical data, to calculate arithmetical data. एक बार ये mechanical मैकेनिकल डिवाइस विच वाज मेड फ्रॉम दाने लगे होते लाइन चेंज करके लिखिएगा। इट वाज इन्वेंटेड इन 15 आप लोग बनाना इस तरह से बना सकते हैं। दस दस दाने होता था इसमें, ठीक है। एक रॉड जो है इसमें 10 होता था, 10 बनाइएगा। ये जो मोती देख रहे हैं इसमें दाने रॉड में, ये 10 होता था एक लाइन में। हाँ 10 बनाइए, नीचे बना दीजिए, कितना पेज बचाइए। सर इसीलिए
केवल फोर्थ में जो फाइल जो है पिक्चर बना रहे हैं। सर हमको लंबा लाइन कितना है? पाँच सीटर। दस होता है, दस नॉट भी देखिए हम तो इसमें एग्जांपल के लिए छोटा सा बना दिए। सर बिंदु दस होता है कि लाइन भी दस होगा? रॉड ये दस होगा और एक रॉड में दस बिंदु भी होगा, यानी इसका मोती भी दस होगा। बॉल्स छोटे छोटे डाल के बना लेते हैं। बिंदी का आविष्कार हो चुका था उससे पहले। साइंटिफिक के नाम पे ही रहता है। न्यूटन्स लॉ, पाइथागोरस प्रमेय, ये सब थ्योरी जो पढ़े हैं या कोई भी चीज मैथ का हो, साइंस का, कोई भी चीज का, साइंटिफिक के नाम से उसका थ्योरी दिया जाता है। उसी तरह ये जो कंप्यूटर खोज किया गया था, नाम कौन रखता क्या कंप्यूटर नाम क्या होता है? अवेकस कंप्यूटर अपने नाम पे, जो साइंटिस्ट था जो खोज किया था वो अपने नाम पे डाल दिया। जैसे न्यूटन का पूरा नाम क्या? सर आइज़क न्यूटन। हाय सर, तो क्या बोला यार न्यूटन की तरह? अरे इंग्लिश सर आइज़क क्या? इंग्लिश में थोड़ी बोला, इंग्लिश में नहीं, वहाँ के लिए इंग्लिश है नाम था ना न्यूटन, एक्चुअली इंग्लिश है नाम है। इंग्लिश इंग्लिश वाले देश में इंग्लिश है नाम, और यहाँ हम लोग इंडियन है, इंडिया का अलग अलग नाम रखते हैं हम लोग। वो सब मुझे लगता होगा कौन सा नाम राष्ट्रपति आप समझिए। जो बाइडन जो नाम दिया गया, जो बाइडन क्या मीनिंग रखता है हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसका कुछ मीनिंग है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है, हम लोग जैसे किसी का नाम रखते हैं राम, तो राम का कोई मीनिंग है नहीं है, वैसे कुछ रख देते हैं उसी तरह उसका मीनिंग। उसी तरह ये जो चाइनीज था, इसका ये नाम था वेकस, वही डिवाइस को बनाया था, अपने नाम रख दिया। यहाँ तक समझे? सेकंड दीजिए पास कर। सर हम बता, सर ये जो ने तकटाने में सक्षम था क्या? वही उल्लेख हुआ है, आप पहले आए बोल रहे हैं नीचे आगे जो बना है। हाँ ये, हाँ ये बता रहे हैं उसने फ्राई से। अरे पहला आगे कस बना दिया इसको, इम्प्रूवमेंट कर दिया, डेवलप कर दिया, कुछ और एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड लिखिए पास कर। फर्स्ट जो है ये कैलकुलेटर ही है। अब इसलिए जो ऑनलाइन काम करते हैं डिस्प्ले ये सब कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए उसको खोज दिया गया था। इतना ध्यान रखिएगा वो बोल रहे आप सही थी है वो भी, लेकिन एक वही होगा, हो सकता है वही साइंटिस्ट हो, वो भी डिवाइस बना हो, उसी नाम के डिवाइस का नाम दिया गया। लिखे पास्कल इंग्लिश PASCAL पास्कल, ये दोनों कैलकुलेटर ही है, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक मॉडर्न कंप्यूटर में इसका कोई अभी योगदान नहीं है, ये दोनों अभी तक कैलकुलेटर ही है। लिखिएगा इट वाज द फर्स्ट, इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर
मैकेनिकल हम लिखे हुए हैं ऊपर में कैलकुलेटर which is invested in which is invented in 1645 in France. Sir, invented for invented for. No, invented for nothing. Invented in. by mathematics Pascal Jean-Pierre Pascal Pascal यहाँ तक लिखे आगे लिखिएगा हाँ इसे लिख के जाइएगा इसमें लिखिएगा तीन दिन हमी साथ लिखा लाइजर कर लिखिएगा इन दिस कैलकुलेटर ये भी क्या है कैलकुलेटर ही है कैलकुलेटर There was used interlocking gears. Interlocking gears. Display 0 to 9 which display
लंबाई डिजिट्स लिखिएगा। It was comparable to it was comparable to 8 and subtract. उसमें देखिए इंटरलॉकिंग गियर यूज किया गया था, ठीक है, जो 0 से 9 तक का डिजिट को डिस्प्ले करता है, ठीक है ना। और ये दो ही चीज में सक्षम था, कैपेबल था, किसी में जोड़ने और हटाने, ऐड करने और सबट्रैक्ट करने, जोड़ने और हटाने। और ये बोलो हमारे पास सिखाया क्या हमारे पास किताब खाते पहले आप लोग स्टडी करते हो, इसीलिए से लग पकता है यहां बकता है बात करता है, मतलब नहीं है समझना, बनना है समझना, इनका थोड़ा पूछना आधे बोलेगा let's change from this to adding machine. It was called adding machine. अबेकस और पास्कल के बारे में बताया, समझ में आया सर? हाँ अबेकस की खोज कहाँ किया गया? चीन में, चाइना में। और ये पास्कल कहाँ किया गया था? किसके द्वारा? पास्कल किसके द्वारा खोज किया गया? नीचे लिखा भी है ब्लेज पास्कल, जो कि मैथमेटिशियन मैथमेटिक्स कहा किया गया था? फ्रांस में किया गया था, फ्रांस में, फ्रांस में दो क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग होमवर्क के लिए, दो क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग को होमवर्क मिलेगा तब पता चलेगा। किताब है ना बेटा,
लिखिएगा इंडियन क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आपको इंडियन लिखना क्वेश्चन लिखिए। मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण मैकेनिकल कैलकुलेटर लिखा हुआ है निर्माण किसने और कब किया किसने और कब किया? क्वेश्चन नंबर वन हो गया, लिखिएगा सबसे पहला। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहला कैलकुलेटर का क्या नाम था? बोलना नहीं है, लिख लीजिए। और इसका खोज कहाँ किया गया? सबसे पहला कैलकुलेटर का खोज क्या नाम? और इसकी खोज कहाँ हुई थी? ऐसे लिखिए, और इसकी खोज कहाँ हुई थी? और